मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में शिक्षा विभाग के प्रभारी बीओ अनिल शर्मा को लोकायुक्त विभाग इंदौर के दल ने आज 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आवेदक ऋतिक वर्मा ने लोकायुक्त इंदौर को शिकायत दी थी कि बीईओ ने मेडिकल के बिलों को लेकर उनसे रिश्वत की मांग की है। डीएसपी लोकायुक्त शिव सिंह यादव ने बताया कि ढालखेड़ा में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ राकेश वर्मा के पुत्र ऋतिक वर्मा ने अपने पिता के मेडिकल लीव का 1.5 माह का वेतन निकालने के एवज में अनिल शर्मा के द्वारा बार बार रुपए मांगने का लोकायुक्त इंदौर को शिकायत की थी। उसी को लेकर आज दल के द्वारा कसरावद में ट्रैप को की कार्यवाही की गई, जहां से भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 में कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो पुलिस ने कार्रवाई की, इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या कार्रवाई की, किसके खिलाफ कार्रवाई? आवेदक ये ऋतिक वर्मा था जी, उसके फादर यहाँ ढालखेड़ा में सहायक अध्यापक, उनके फादर सितम्बर अक्टूबर में बीमार हुए थे, तो मेडिकल बिल का और पे का भुगतान होना, इस संबंध में ये उसके विद्यालय के प्रिंसिपल हैं अनिल शर्मा साहब, इनने 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। इसके संबंध में आवेदक ने इंदौर ऑफिस में शिकायत करी थी, तो एसपी साहब ने उस टीम का गठन किया था, तो आज सवेरे टीम यहाँ आई थी पूरी, और 5,000 रुपये अनिल शर्मा साहब को रंगे हाथों रिश्वत देते हुए विजय स्तंभ चौराहे के पास पकड़ा गया। सर पूरा मामला क्या था इसमें, जैसे कि शिकायत कब की थी? ये शिकायत उन्होंने 11 तारीख को की थी वहाँ, तो उस तरह से टीम गठित होकर, और कल फाइनल हुआ था कि आज वो रिश्वत की राशि देके बोले आए थे। तो सर पहली किस्त कितने? नहीं, 5,000 रुपये ही, 10,000 रुपये में बात हुई थी और 5,000 रुपये में पीड़ित ने क्या कहा कि काफ़ी समय से मतलब पैसों को लेकर मांग की जा रही थी, परेशान किया जा रहा था? हाँ नहीं, वो परेशान तो काफ़ी दिनों 11 दिन लगातार फोन आ रहे थे, आज भी लेट हो गया था तो बार बार फोन कर रहा था। सर लोकायुक्त विभाग ने कौन सी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? अभी तो 7 धारा में, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस है। आगे क्या कार्रवाई से होगा? मतलब आगे कार्रवाई जारी है। तो सर अभी मतलब जमानत मिल जाएगी या फिर मतलब इसमें? अभी तो देखते हैं, बताते हैं परिस्थितियों के ऊपर बताते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।